am Sugali from Desi Cows for Better India, and today I was asked a very interesting question about Godan and its importance and procedure. So I want to ask the same question to a very special guest today with us, Srimati Sangeeta Midlani, who is the founder of Desi Cows for Better India Trust. It is under her inspiration that we are all working. So let's begin by asking her the first question. What is the importance of Godan? Why should we do Godan? गाय का दान इसलिए इतना महत्वपूर्ण है बेटा कि गाय के बिना सुखी मानव जीवन की कल्पना करना एक तरह से नामुमकिन है। गाय का इतना बड़ा हमारे जीवन में योगदान है कि अगर आप इसको खाने से जोड़ेंगे, वातावरण से जोड़ेंगे और खेती से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि गाय का हर जगह उपयोग। ऐसा कोई भी जानवर, यहाँ मैं जानवर एक बार इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि ऐसा कि आम बोलचाल की भाषा में लोग गाय को जानवर समझते हैं, तो मैं बताने के लिए कहूँगी कि क्या एक भी ऐसा जानवर है जिसका आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और जानवर के गोबर को आप छूना चाहेंगे या उसमें से निकला हुआ भोज्य पदार्थ आप इस्तेमाल करना चाहेंगे या उसके गोमूत्र को यूज़ करेंगे। हर चीज़ इतनी पवित्र है कि हर चीज़, चाहे आप उसको साइंटिफिक उससे देखें, चाहे आप उसको वैदिक स्टडी से देखें, हर तरीके से उस हर जगह उसने अपनी महत्ता को अप्रूव किया है। तो गाय के बिना मानव की कल्पना करना, सुखी जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। तो जो चीज़ हमें इतनी उपयोगी है, लाइक हम उसको खेती में इस्तेमाल करते हैं, हर जगह करते हैं, तो ऐसी ही चीज़ का दान देना चाहिए। दान मतलब आप उस चीज़ को और बढ़ाएं। हम तो उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, हम जिसको देंगे वो भी रखेगा, तो ऐसे करके समाज में उस चीज़ को हम और बढ़ाएँ, फैलाएँ और ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो, इसी के लिए दान दिया जाता है। तो इसलिए गाय का दान इतना महत्वपूर्ण है जी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न ये है कि सुपात्र किसको माना जाता है, किसको गाय दान देनी चाहिए? गाय दान उसी को देनी चाहिए जिसके वो काम आए। कोई भी चीज़ एक जगह से जाके दूसरी जगह निष्क्रिय नहीं खड़ी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सुपात्र वो है, काम में वो उस चीज़ को लाएगा जो उसकी महत्ता समझे। कितनी महत्वपूर्ण है गाय हमारे जीवन में, जिसको इस बात का पता है। तो पहले ब्राह्मणों को गाय दी जाती थी कि वो डेफिनेटली जहाँ गाय होती है वहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसा साइंस प्रूव कर चुकी है। तो पहले ब्राह्मणों को दी जाती थी, बट आज जगह की कमी के कारण जो सुपात्र है वो किसान है, क्योंकि गाय से जो खेती होती है वो सारे समाज के लिए होती है। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग जगह जगह इस चीज़ को हर इंसान में अवेयरनेस है कि उसे अच्छा खाना मिले। तो गाय ऐसे पात्र, और आज सबसे अच्छा पात्र गाय का दान देने के लिए, क्योंकि समय के साथ ही चलना पड़ता है, वो एक किसान है जो खेती में उसका इस्तेमाल करे, उसको अपने बच्चों के लिए तो वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, बाकी सबके भी काम करेगा। प्लस सबसे ज़्यादा गाय दूध देती है, खाना देती है, बट उस दूध से जो घी बनता है उस घी का हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत ज़्यादा उपयोग है। और वो है यज्ञ में घी का इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना। तो जो यज्ञ की महत्ता भी समझता हो फार्मिंग के साथ, हमें उसको गाय देनी चाहिए, ताकि वो हमारे हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ ये बताते हैं कि जो भी आपके पास गाय का, असली गाय का घी है, उसका दसवां हिस्सा हमें लोक कल्याण के लिए। और लोक कल्याण आप कैसे करेंगे? यज्ञ के द्वारा करेंगे, जिससे कि आपका वातावरण शुद्ध होगा। लोगों को आज तो आप देख रहे हैं हर जगह कोविड को लेकर हर जगह प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? ये वायरस, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वायरस, प्रदूषण, इन सब चीज़ों का जो सोल्यूशन है, जो उपाय है, वो गाय के घी से किए हुए यज्ञ से। इसलिए ऐसे पात्र को देखें जी। और विधि क्या है गाय को दान करने की, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गाय को दान करने की? गाय को ध्यान देते वक्त हमें चार निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए,
जिसमें से पहला है कि गाय बछड़े वाली हो जब किसी को दी जाए, दूसरा गाय को सम्मान के साथ किसी वस्त्र से ढक के गाय को देना चाहिए, तीसरा है जब आप गाय को भेजें तो उसको सम्मान के साथ 10-20 कदम जाकर आगे तक छोड़ कर आए, और चौथा है कि जिसको दान दे रहे हैं उसको साथ में कांस्य का पात्र दे दिया जाए। अब कहने के लिए सुनने के लिए ये बातें इररिलेवेंट लग सकती हैं, ये लग सकता है कि इनका क्या काम है, देनी तो गाय थी, पर अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहा गया है और उसकी उपयोगिता कम है। तो पहले गाय बछड़े के साथ होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि गाय बहुत ही भावनामयी माँ है। उसको माँ क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा भाव है, तभी तो वो अपने इस बच्चे के हिस्से का दूध सारे मानव समाज को देती, तो उसकी भावना वो खुश रह सके, उस भाव के साथ आप दूसरे के घर आने के बाद अकेली ना महसूस करे, बच्चे के साथ उसकी माँ की ममता उस जगह की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी, और इसलिए हमें हमेशा गाय बछड़े के साथ देनी चाहिए। और दूसरा है गाय को ठक के क्यों दिया जाए? देखिए आज भी हमारे समाज में अगर हमने किसी का सम्मान करना होता है तो हम उसके गले में शॉल देते हैं, क्यों? ये एक तरीका है उसका सम्मान, उसके प्रति कृतज्ञता अपनी दिखाने का, प्रूव करने का। तो जब हम गाय को भेजते हैं तो प्रेम से उसको पूर्ण सम्मान के साथ भेजेंगे, और जो लेने वाला है उसके अंदर भी फिर वही सम्मान आएगा। तो कहने का मतलब है इस चीज़ को हम चलता रखें, इस चीज़ को आगे तक पहुँचाएं, इसके लिए हमेशा गाय को अच्छे वस्त्र के साथ कर देना चाहिए। एंड उसके बाद तीसरी चीज़ है कि गाय को जब जा रही है, जैसे कि माँ हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि जब कोई अतिथि भी आता है तो आने पर तो सम्मान किया ही जाता है, जब जाता है तो भी उसे प्रेम पूर्वक नीचे तक छोड़ने जाया जाता है। तो गाय को प्रेम पूर्वक 10 कदम 20 कदम अपने प्रेम के साथ छोड़ कर आइए, क्योंकि ऑफकोर्स वो आपके साथ रही है, उसने आपको इतना दिया, तो उसी भाव के साथ, विश्वास के साथ उसने हमें दिया, उसी भाव के साथ हम उसे बिताते हैं। एंड कांस्य का पात्र, कांस्य के पात्र में दूध की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है, हम उसमें ज़्यादा देर के लिए दूध नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं कांस्य के पात्र में, तो आप जिसको दे रहे हैं वो इस भावना के साथ दे रहे हैं कि उसका भी कल्याण, तो आप उसको कांस्य के पात्र के साथ ही दीजिए कि जब वो दूध ले तो उसको वो पूरी गुणवत्ता के साथ दूध मिले, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, उसका भी भला हो, तो इस भाव के साथ आप ये चारों विधियों का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद आपका इतने अच्छे से सबको समझाने के लिए।